कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता उनके पति रॉबर्ट वाड्रा से राजनीति में आने की गुजारिश कर रहे हैं। एक महीने के अंदर दूसरी बार उत्तर प्रदेश में वाड्रा का राजनीति में स्वागत करते पोस्टर देखे गए हैं। ताजा मामला गाजियाबाद का है। इससे पहले कार्यकर्ताओं ने मुरादाबाद में ऐसे ही पोस्टर लगाए थे। शनिवार को गाजियाबाद के कौशाम्बी में मेट्रो स्टेशन के बाहर कुछ पोस्टर देखे गए जिन पर लिखा था शगाजियाबाद करे पुकार। पोस्टर के मुताबिक इन्हें गाजियाबाद यूथ कांग्रेस ने लगवाया है। जी सर, रॉबर्ट वाड्रा के जो पोस्टर हैं वो लगाए गए हैं, उसमें कहा है कि गाजियाबाद में रॉबर्ट वाड्रा की बार। कैसे इस पूरे मामले को आप देखते हैं और क्या कहेंगे इस पर? नहीं, अभी मेरी जानकारी में नहीं है जी। और हमारा जो कांग्रेस पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, टिकट का या लड़ाने का काम हमारे हाई कमान कांग्रेस कमेटी का है। जिसको कांग्रेस कमेटी किसी को भी लड़ाएगी यहाँ पे, जो उनका निर्णय होएगा वो सर्वमान्य होएगा। और एक एक कार्यकर्ता जो हमारा बूथ से लेकर ब्लॉक, बूथ और वार्ड और जिला और शहर की पूरी कमेटी पूरी तरह से तैयार है। फिरका परस्तियों को हम ही लोग हैं जो फिरका परस्ती को हटा सकते हैं। कांग्रेस ने बीजेपी हटाई है यहाँ पे और हमारी उनकी सीधी सीधी लड़ाई है और किसी को। लेकिन इसके किस तरह के राजनीतिक मायने आप देखते हैं, अगर कुछ यूथ कांग्रेस के लोग इसे लगा रहे हैं तो? ये तो वर्कर है, अब उससे क्या जी, तो आप उनसे पूछें जी। और जो तमाम जो विपक्ष के लोग हैं वो अगर सरकारी उनके बात करें, बीजेपी के लोगों की बात करें जी जी जी, तो वो भी कुछ सवाल उठा रहे हैं इस बात को लेकर कि कांग्रेस स्ट्रांग नहीं है इसलिए इस बार। किसने कहा? रॉबर्ट वाड्रा वो यहाँ मोदी जी कल झूठ बोल गए। SDM और इनसे फोन करा रहे हैं ग्राम प्रधान BDC की, क्योंकि प्रमुख हमारा लॉनी ब्लॉक में कांग्रेस का है, तो सबको फोन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चाहे 10 आदमी लेकर आओ, हमारी रोडवेज की बस है। शासन प्रशासन का जो दुरुपयोग जो इस सरकार में हुआ आज तक किसी में हुआ नहीं है, जो वो भीड़ इकट्ठी करी है, जबरदस्ती लोगों को लाया जा रहा है। और कांग्रेस मजबूत नहीं है तो कौन मजबूत है? हमेशा कांग्रेस ही रही है जी। अच्छा, ये और एक बात है कि कल कांग्रेस के लोग जा रहे थे काले गुब्बारे लेकर और उनको रोका गया, और उसका क्या वजह? ये तो जबरदस्ती कांग्रेस अपनी बात कहने के लिए तैयार है, जो हर मुद्दे पे फेल है। गन्ना का भुगतान नहीं हो रहा किसान का, नौजवान की नौकरी नहीं लग रही, रोजगार नहीं लग रहा, वो लोग और कांग्रेस कार्यकर्ता आम जन इनके विरोध में है। तो वही लोग जा रहे थे क्योंकि वो मंत्री वगैरह भी थे जी जी जी, वो तो सभी लोग जो पूरा इनके उसमें, ये तो प्रशासन ने जो जबरदस्ती कर रखी है इनके साथ, प्रशासन के जबरदस्ती दबाव के साथ हमारे साथ जो उत्पीड़न हुआ उसकी मैं निंदा करता हूँ। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है। जो रोज मोदी जी सुबह शाम तक झूठ बोल रहे हैं और ये भ्रष्टाचार, चोरी, सब चीज़ में पूरी तरह से केंद्र की भी और उसकी भी पूरी तरह से फेल है सरकार, स्टेट की भी और वो भी। गाजियाबाद में आज जहाँ वैशाली क्षेत्र में देखा जा रहा है कांग्रेस ने रॉबर्ट वाड्रा के लिए पोस्टर वॉर शुरू कर दी है, मेरा अपना ये मानना है ये कहीं ना कहीं वीके सिंह को, भाजपा के वीके सिंह को टक्कर देने के लिए हो सकता है, या फिर इनका एक ट्रायल भी हो सकता है कि जनता का जो रुझान है खुद कांग्रेस पार्टी का उसमें क्या हलचल होती है। तो मेरा मानना यही है, ये दो कारण हो सकते हैं, या तो ये जनरल वीके सिंह भाजपा के जो हैं उनको टिकट अगर मिलता है दोबारा उनकी टक्कर में इनको खड़ा करेंगे, या फिर इनका ये एक ट्रायल है। असल गाजियाबाद में कई इलाकों में पोस्टर लगाए गए हैं, रॉबर्ट वाड्रा की मांग की गई है इनको यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, क्या कुछ कांग्रेस तरफ से आप कहेंगे किस लिए ये पोस्टर लगाए गए? देखिए, सुनने में हमारे भी आया और हमने भी देखा, उस पर नाम किसी का नहीं है, लेकिन उसमें युवा कांग्रेस लिखा है। और हम ये मानते हैं कि हर वर्कर का, हर कार्यकर्ता का अपना एक उत्साह है आज के समय में, और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है, और जगह जगह अपने जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उनके जो पदाधिकारी हैं उनको चुनाव लड़ाने के लिए हर वर्कर चाहता है कि हमारे यहाँ से आगे लड़ें जिससे क्षेत्र का फायदा हो सकता है किसी की ऐसी मंशा रही हो और उसने वोट लगाया हो, लेकिन अभी ये हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ये वोट किसने लगाए, उस पर युवा कांग्रेस का नाम लिखा है, लेकिन वर्कर की हो सकता है किसी की उम्मीद हो और उत्साह है, उसने वोट लगा दिए हो। अब ये राशि ने तो तय करेगा कौन यहाँ चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, स्थानीय लड़ेगा, बाहर से आएगा, या हमारे जो है राष्ट्रीय नेतृत्व के कोई परिवार से आएगा, ये उनको फैसला करना है। सर, जो गाजियाबाद का जो वो है उससे भी आप जुड़े हुए हैं, संगठन है कांग्रेस का, तो क्या कहेंगे? संगठन की तरफ से मांग की जा रही है या कहीं किसी और पर्सनल किसी ने लगाए हैं? नहीं, अभी कोई किसी तरीके से ऐसी बात नहीं हमें दिखाई देती है, और यहाँ जो पर्यवेक्षक आए थे लोकसभा के उनके पास सब नाम जा चुके हैं और अब नाम शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, और कभी भी आज कल परसों में कभी भी लोकसभा उम्मीदवार हम लोगों को दे दिया जाएगा।
जो भी लोकसभा उम्मीदवार दिया जाएगा हम उसको लड़ाएंगे, चाहे वो स्थानीय हो चाहे वो हमारा कोई राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा कोई बड़ा नेता भेजा गया हो। लेकिन मैं ये मानता हूँ, मैं अल्पसंख्यक कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, मैं ये मानता हूँ कि राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा बाहर से भेजा जाने वाला लीड नेता के आने से उत्साह बढ़ता है और पार्टी मजबूत होती है और कहीं ना कहीं क्षेत्र में विकास जो है होता है। इसलिए लोगों का अपना मन और उत्साह है, लोगों की क्या सोच है क्या नहीं है, हर वर्कर प्रियंका जी तक, ज्योतिरादित्य सिंधिया तक अपनी बात को पहुंचा रहा है। ये अच्छी बात है कि वर्कर की राष्ट्रीय नेतृत्व सुन रहा है और अब ये नेतृत्व फैसला करेगा कि यहाँ से किसको लगाना है। सर, प्रियंका गांधी के पति हैं रॉबर्ट वाड्रा जी, तो कितना अगर चुनाव लड़ते हैं तो कितना फायदा कांग्रेस को होगा, क्या समझते हैं? नहीं, निश्चित तौर पर मैं ये नहीं, मैं इसमें मानता हूँ आज जो माहौल है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सैनिकों के कंधे पर चढ़ करके सैनिकों के पराक्रमों को अपना पराक्रम बता करके और जिस तरीके से हिंदुस्तान पाकिस्तान करके लोगों को भड़का करके पिछले वादे भूल करके चुनाव में जा रही है, उससे देश की जनता समझ रही है। और हम, मैं मानता हूँ कि राष्ट्रीय नेतृत्व में और खासकर राष्ट्रीय नेतृत्व के परिवार से कोई हमारे बीच में आएगा तो उसका फायदा मिलेगा और जो जीत हमारी कम मार्जिन से होगी वो बहुत मार्जिन से बढ़ जाएगी। बाकी राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना किसको भेजना, हम वर्कर की मांग है कि जो भी होगा, जो भी कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर लड़ेगा हम उसको चुनाव लड़ाएंगे।